मध्य प्रदेश में चुनावी आचार संहिता लगने के बाद से दतिया पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। दतिया पुलिस के मुखबिर से सूचना मिली कि जंगल में कुछ बदमाश छुपे हुए हैं, जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जंगल से दर दबोचा। हिरासत में आए चार बदमाशों ने डकैती डालने की योजना का खुलासा किया। बदमाशों के पास से पुलिस ने हथियारों सहित चार पहिया वाहन भी जब्त किए। पुलिस के आला अधिकारी हिरासत में आए बदमाशों से कड़ी पूछताछ कर रही है। इन बदमाशों के पूर्व में भी कई आपराधिक रिकॉर्ड है। इन बदमाशों का एक साथी भागने में सफल हुआ, जिसे पकड़ने के लिए जंगल में सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। दिनांक 8/10/18 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को मुखबिर की सूचना मिली कि निचरौली जंगल में कुछ हथियारबंद बदमाश एकत्रित होकर के जनारा टूल टक्स पर डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। ये सूचना को साहब ने थाना प्रभारी को बताया, सिविल लाइन को, और उसको पकड़ने के निर्देश दिए, जिसमें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी निर्देश दिए गए। और फिर TI सिविल लाइन ने जाकर के बताए गए स्थान पर जाकर के पार्टियां तैयार की, उनको घेराबंदी करके पकड़ा निचरौली के जंगल में। तो चार लोग गिरफ्तार हुए, जिनके नाम जो है निखिल पुत्र अवधेश यादव, दूसरे का मोहित उर्फ मोनू पुत्र दिनेश श्रीवास्तव, तीसरा राहुल पुत्र अमर सिंह यादव, चौथा राम कुमार पुत्र बच्चूलाल सेन। ये चार पकड़े गए और इनके कब्जे से जो है 2/315 बोर के कट्टे, 5 जिंदा कारतूस और 1490 रुपये नकदी, 4 मोबाइल और 1 बका 1 तलवार जब्त किया गया। मौके से जो 5 आदमी थे, वैसे तो एक इनका साथी था राम नरेश यादव कृष्णारी का, वो भागने में सफल हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों से घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि जनारा टूल टैक्स पर डकैती डालने की योजना बनाने के लिए आए थे। पास में एक स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी थी, MP04 CG 9903। उसकी तलाशी ली तो डिक्की में आगे 1 12 बोर का कट्टा और 2 जिंदा कारतूस मिले। एक स्विफ्ट कार खड़ी थी, जिसकी तलाशी ली गई तो उसकी डिक्की में पीछे 3 डंडे और 1 तलवार जब्त की गई। आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। अच्छे कार्य के लिए निरीक्षक शशरदास, ASI रविंद्र कुमार, ASI विपिन पाठक, ASI प्रेम सिंह, ASI राजेंद्र सिंह कुट्टा एवं आरक्षक जो भी स्टाफ था, उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका, अच्छी सराहनीय भूमिका रही। इनको नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अपराधियों का पूर्व का रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड तो आपने लिया हो ना, कहाँ बताए इनका रिकॉर्ड लिया ना।